हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें नई वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। आज मेरे पास कॉल आई, व्हाट्सएप कॉल, पाकिस्तानी नंबर से, जो कि मैंने इजीली पहचान लिया, क्योंकि पाकिस्तान का जो नंबर होता है +92 होता है, इंडिया का नंबर +91 से स्टार्ट होता है। तो इसने पहले तो मुझे KVC के नाम पे ठगने की कोशिश की, जो कि मेरे को जानकारी है इन चीज़ों की। तो जब मैंने इसको बताया कि मेरे को इस चीज़ की जानकारी है, और मैंने पूछा कि आपके तो सरकार गिर गई, इमरान खान प्रधानमंत्री से हट गए हैं, अब कौन बनेगा, तो ये समझ गया कि मैंने इसको पहचान लिया, मुझे जानकारी है, मैं इसके फ्रॉड में नहीं आऊँगा। फिर हमारी कुछ रोचक बातें हुई हैं, आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं हमारी। नंबर अच्छा इस नंबर पर आपका लॉजिन निकला है, लॉजिन आदर करने के लिए अभी आपको नंबर दे दे रहा है। बैंक मैनेजर रजिस्ट्रेशन बताया जो आपको में और के समय आपको लॉटरी कैश करवा के देगा। नंबर बता दीजिए। हाँ जी, नंबर लिख लीजिए एक मरतबा। आपका नाम क्या है, अपना नाम बोलिएगा। कुणाल मेरा नाम है कुणाल जी, हाँ, किधर के रहने वाले हो? दिल्ली बेंगलोर के, दिल्ली चेन्नई दिल्ली के, पुणे के? दिल्ली दिल्ली। के? हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, नंबर देख लो। बताइए। 8303 एक मिनट सर, पेन ले लूं। हाँ, 8303 8303 के बारे का 4931 4931 4931 के बाद देखो 6 5। क्या नाम है इनका? 6 5 लिख लिया। अच्छा, हाँ, 8303493165। दोबारा से बताना, दो दो करके बता दे, 10 मिनट में एट टाइम थ्री है। ठीक जीरो है ठीक जीरो थ्री है ठीक फोर नाइन है। थ्री 165। 3165 बिल्कुल राइट है जी। इनका नाम है बैंक मैनेजर रोहित शर्मा, SBI स्टेट बैंक से बात करनी है, मुंबई बांद्रा से। जी, आपका नाम क्या है सर? हमारा नाम विजय कुमार है। हाँ अच्छा, तो विजय कुमार जी, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था। वो इमरान खान तो सरकार मतलब गिर गई, PM चढ़ गए, अब कौन हो गया PM नया? मतलब इमरान खान तो PM से हट गए ना, अब नया PM कौन हो गया? तो शिवाज शरीफ क्या अच्छा ठीक है, वो PM बोला? अरे मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, PM देश को ठीक से चला लेंगे। वो शिवाज शरीफ है, हम उसको वोट देंगे। अच्छा, तो उनका भाई भी तो आ रहा है विदेश से, नवाज शरीफ। शिवाज शरीफ वो गुड बंदा है, वो है अच्छा बंदा है। ये जो इमरान खान है ये तो माता चौथ क्या बच्चा है। अच्छा, तो नवाज शरीफ देश को ठीक चला लेंगे ना? अरे उसने जो से आगे 38 साल उसने हुकूमत की है, वो क्या सही नहीं लगी आपको? अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता ना। हाँ, करेंसी वहाँ की बहुत महंगी है ना, पाकिस्तान की इंडिया से। $1 मेरे हिसाब से 150 रुपये का होगा। नहीं, डॉलर तो हमने 15 दिए, शिवाज शरीफ ने घटा दिया 115 रुपये घटा अच्छा चल, दिया नवाज शरीफ, शिवाज शरीफ ने। अच्छा फिर तो महंगाई कम हो जाएगी। आपको कैसे पता चला कि हम पाकिस्तान से बात करें? सर पता चल जाता है, आजकल है ना पढ़े लिखे लोग हो गए हैं। सब लोग हैं, सिख भी पढ़े लिखे हैं बहुत है। हाँ, तुम भी पढ़ो लिखो, कुछ काम करो, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। पता मुझे पता नहीं। ठीक है सर, तो इधर इधर आप किसको वोट देते हो, मोदी को?
इधर हम मोदी को देते हैं। मोदी तो पाकिस्तान का हमारे खिलाफ है, हाँ दुश्मन है। तो इधर खिलाफ रहता तभी तो देते हैं। ठीक है, मोदी है क्यों ना, रहता है? मोदी है ना, हमला करेगा पाकिस्तान पे, पीओके लेगा वापस, क्या लेगा? पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। ठीक है, कश्मीर लेना कोई आसान बात थोड़ी है, लड़ना पड़ता है। अरे ले लेगा। अभी पहले लोग बोलते थे कि 370 नहीं हटेगी, 370 हट गई ना, वैसे कश्मीर भी ले लेंगे। ये 300-270 है, ये तो हमने लेने देना। अच्छा, नहीं, वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ना ले लेगा मोदी, इसीलिए तो हम मोदी को वोट देते हैं ना। कश्मीर ले लिया, कश्मीर से भी पाकिस्तान की इबादत करेगा, नवाज पढ़ेगा। नमाज पढ़ो, उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हमारे देश में तो सब हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हम पंख धर्म नहीं करते। पाकिस्तान में इधर मुसलमान ना इससे ज्यादा आपके इंडिया में पड़े हैं मुसलमान। हाँ तो इंडिया में फिर जनता भी तो ज़्यादा है ना, पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये देखो जैसे आईपीएल में 10 टीमें हो गई है, 36 सूबे आपके, हमारे 4 सूबे हैं। 4 सूबे में हम आपको 4 सूबे ही 36 सूबों पर बांटेंगे। अच्छा चलो। अच्छा ये बताओ, अभी इमरान खान को सजा होगी क्या, जेल हो जाएगी क्या उसको? नहीं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने बोल दिया है कि हम इनसे बदला नहीं लेंगे। बदला नहीं लेंगे? नहीं, बदला नहीं देंगे। अच्छा, तो जेल नहीं कराएंगे उसको? क्यों, वो कोई शरारत करेगा तो आएगा इधर इधर वो जलसा करने के लिए, फिर हाँ तो पक्का पक्का जेल में जाएगा। फिर बैठा रहेगा घर बैठे, फिर अच्छा, तो उसको फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे। जाएगा बाहर, उसको सीधा उधर कराची में डाल देंगे जेल में। चलो बढ़िया है जी। तो कभी आओ इंडिया, दिल्ली आओ कभी, मिलो। इधर पाकिस्तान और इंडिया में कैसे मिल रहे? नहीं, आते हैं ना हमारे, कोई बहुत सारे दोस्त हैं पाकिस्तानी, सिंधी लोग हैं ना, दिल्ली में रहते हैं। तो हम आ जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान, उन्होंने बोला है ना हमारे दोस्तों ने कि हम घुमा के लाएंगे, तो हम मिल लेंगे तुमसे। तुम कैसे मिल लोगे? आऊँगा जरूर मैं पाकिस्तान ना, एक बार देखेंगे तो कैसा है पाकिस्तान। बहुत भारी है, ये सोच लेना। फौज भारी है तो हम क्या कम भारी है। तुम तो ऐसे ही बस। हमारे है ना, जनता ही भारी है फौज से ज्यादा तुम्हारी। ये मुझे एक व्हाट्सएप नंबर रख दोगे? व्हाट्सएप इंडिया की, इधर एक पाकिस्तान में सिम नहीं मिलती, इधर रख अच्छा, दोगे? पहले तो मिल जाती थी ये मियाँ चुन्नू वगैरह से ना, ये बहुत काम होता था, पहले तो सिम मिल जाती थी इंडिया की, हाँ, अभी नहीं मिल रही। किधर से मिल जाती थी? ये मियाँ चुन्नू वगैरह में काम होता है ना ये। मियाँ चंदो का ही बात कर रहा हूँ मैं, मियाँ चंदो से ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, मियाँ चुन्नू से ही कर रहे हो? हाँ, मियाँ चंदो से ही बात कर रहा अच्छा, ये देखो ऐसा है ना, इंडिया वाले लोग पता है कैसे होते हैं, अगर आप मुझे पैसों का भी ऑफर करोगे ना, तो मैं देश से गद्दारी नहीं करूँगा, मैं आपको नंबर नहीं दूंगा। कुछ ही लोग हो सकता है, आप लोग किसी को वो कर लो, पैसों का लालच में देकर तोड़ लो, लेकिन हम लोग है ना देश से गद्दारी नहीं करते। आप इंडिया का मैंने। नंबर मेरे पास, मैंने मैं उस व्हाट्सएप से कुछ नहीं करूंगा। मैंने वैसे ना वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाली है, आपका नंबर मैं ग्रुप में डालूंगा। वो ग्रुप में कोई भी हमारी गलत चीज आएगी ना, आप लोगों से व्हाट्सएप की। अच्छा, तो उस ग्रुप से क्या करोगे, यही तो करोगे ना कि लॉटरी निकली है? अरे उस ग्रुप में नहीं होती लॉटरी, उसमें बस बातचीत करते हैं, कोई हंसी मजाक कर लिया। अच्छा, और तुमने कोई ऐसी गतिविधि कर दी जिससे मुझे इंडिया वालों ने देशद्रोही घोषित कर दिया, मुझे जेल में उठाकर डाल दिया फिर? नहीं भाई, ऐसा कुछ हम करेंगे ना तो हमारी व्हाट्सएप आप पीछे खींच लेना। हाँ, अच्छा पक्की होनी चाहिए पर व्हाट्सएप। अभी कब मना कर दोगे, आज या कल?
हाँ अभी बनवा दो नहीं तो। हाँ पहले तो मैंने हाँ नहीं करी, आप कह रहे हो अभी बनवा दो। मैंने आपको हाँ करी है क्या? मैं दे दूंगा तो फिर आप कैसे कह रहे हो अभी दे दो कल दे दो? हम लोग देश से गद्दारी नहीं करते। पाकिस्तान में पता है बयान आया था कि हम लोग है ना पैसों के लिए कभी इसके पाले में कभी उसके पाले में, हम लोग नहीं करते ऐसा। अरे जो सा मेरा इमरान खान था ना, उसने कितना डॉलर लिया बाहर मुल्क से, चीन से, रून से, रूस से, रूस से जो आप है, जो उनसे अमेरिकन है, उनकी जंग हो रही है। हाँ रूस तो हमारा दोस्त है रूस ना, इंडिया का दोस्त है रूस। हाँ, हाँ रूस में तो इमरान खान गया था रूस में। हाँ वो बुलाता है, बुलाने तो सबको ही पड़ता है ना, विदेश वाले मंत्रियों को भी, सभी देश के प्रधानमंत्रियों से मिलना पड़ता है। वो किस किस 55 सूबे के 57 मुल्क के इधर ना, बड़े सदर 57 मुल्क के सदर जो मुस्लिम आए हाँ थे ना इधर पाकिस्तान में, हाँ आपको भी पता हो गया। हाँ अच्छा ये बताओ, ये जो केबीसी वाला गेम खेल के आपको इंडिया से जो आप है ना इंडिया के अकाउंट में पैसे डलवाते हो, तो उसको कितने पैसे देने पड़ते हैं आपको? कितने जैसे आपने कितने आपने 10,000 रुपये लिए केबीसी के नाम पे, और वो आप पाकिस्तान के अकाउंट में तो लोगे नहीं, वो लोगे इंडिया के अकाउंट में, तो इंडिया वाला जो बंदा मिला होता है आपसे उसको कितने पैसे देने पड़ते हैं? दो हाँ वही कह रहा हूँ, मतलब कितनी परसेंट देना पड़ता है उनको? सा पाकिस्तान का बंदा होता है ना, वो इंडिया का बोलता है कि इन लोगों के कॉल सेंड कर दो, तो वो उसके साथ मिला था, हमारे साथ नहीं मिला होता। वो हम उनसे उनसे मतलब उनसे हमारा होगा ना, उनसे हम पैसा लेंगे, उनके अकाउंट में हम डलाएंगे, हम उनको बोलेंगे कि इसी व्हाट्सएप पर मुझे कॉल सेंड कर दो, 10,000 वाला या 15,000 वाला, या गूगल पे या फोन पे या पेटीएम ये वाला मुझे कॉल कर दो। जिधर वो सेंड करेगा ना इंडिया के बंदे, पेटीएम में चाहे करेंगे या गूगल पे में या फोन पे में या बैंक में, गोल्ड मंगवानी है। गोल्ड मंगवाने के बाद तेरा जिसमें बुलाएगा उसमें हम उनको बोलेंगे ये 15,000 देखो या 10,000 देखो, ये ओके है कि नहीं है। अच्छा देखो इंडिया आगे जो हमारा जिनसे हम गोल्ड लेंगे ना, उसके आगे पूछेगा इंडिया वाले को ये जो सा 420 रुपये देखो 15,000 ओके है कि नहीं है, मुझे बोलेगा ओके, फिर वो 15,000 ओके हो जाता है, फिर वो उधर से उस गोल्ड में से पैसा निकलवाएगा, पैसा निकाल कर फिर पाकिस्तान में डालवाएगा, पाकिस्तान में डाल कर फिर इधर आएगा पैसा। हाँ तो वही कह रहा हूँ, अगर जैसे तुमने 10,000 डलवाए तो वो आप तक कितने पहुँचाएगा वो दिल्ली वाला इंडिया वाला बंदा? वो हमारे साथ नहीं मिलाएगा, वो दूसरे दाग चलाएगा जिसके साथ उसकी बंद नहीं होगी, अच्छा जिसके तो साथ तुम तो वो है। कहने का मतलब उसके बाद तुम्हारे पास और कट के आएंगे? हाँ, कट करेंगे मतलब कि हमने 20 करवाया तो 50,000 आएगा, जो 10 करवाया तो 25,000 आएगा। अच्छा करेंसी भी तो तुम्हारी थोड़ी सी डाउन है, इस वजह से ज़्यादा हो जाते हैं वो। तो अभी भी व्हाट्सएप में अगर देना का नहीं, व्हाट्सएप नंबर कैसे दे दूँ मैं तुम्हें? मैं जानता नहीं हूँ। अभी तो जाने क्यों ना, मैं असल नाम बताऊं आपका, असल हाँ नाम मेरा मोहम्मद फरूक है, पाकिस्तान से बात कर रहा अच्छा देखो मैं ना मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम पाकिस्तान से बात कर रहे थे, वो तो बस ऐसे ही मज़े लेने के लिए मैंने कहा थोड़ा सा, अभी तो तुम्हारे हूँ नियत से। मैनेजर से भी मज़े लूँगा मैं। तुम्हारा फर्जी मैनेजर से भी मज़े लूँगा मैं अभी तो। मैनेजर को बता भी दिया कि ये पाकिस्तान इंडिया से बात करे, इसको सब कुछ पता है। हाँ मैनेजर को बता दोगे है? मैं बता भी दिया, बताना क्या। हाँ अच्छा बता भी दिया, मैसेज के थ्रू बता दिया क्या? अच्छा मेरे पास अभी दूसरा फोन है ना, ये तो मेरा अपना
मेरे पास अकाउंट ओपन है ना, अच्छा, उसमें मैंने ओह तो तुमने तो पहले ही बता दिया उसको, है? चलो कोई बात नहीं। हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग है ना जैसे आप लोगों से बात करके ना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर हम है ना यूट्यूब चैनल पे सोशल अवेयरनेस करते हैं कि इस तरीके से फ़ोन आएगा तो आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, समझ रहे हो? हाँ, तो इस तरीके से करते हैं हम सोशल अवेयरनेस, मतलब कि ऑनलाइन ऐसे फ्रॉड होता है। फ्रॉड आप है ये किसने शुरू कराया? अमिताभ बच्चन साहब ने। आप कई वो कौन सा था? हाँ, अमिताभ बच्चन साहब ने कराया ये। किसने करवाया ये? जो फॉर्म डालता नहीं, है, फॉर्म ये बनेगा मा? मैं बताता हूँ, ये सब चीज़ें पता है कैसे होती हैं, ये चीज़ें होती हैं कि लोग ना एजुकेटेड नहीं होते। आप जो एजुकेटेड नहीं होते उसका आप लोग फ़ायदा उठा लेते हो। ये तो KBC है, इसके अलावा फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इसका भी तो होता है। बहुत सारे फ्रॉड करते हो, मतलब ये होते हैं ऑनलाइन फ्रॉड, लेकिन वही है कि अगर हम पढ़े लिखे हैं ना तो हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, इसीलिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बेशक 8वीं पास हो या 10वीं पास हो, लेकिन आपको पढ़ा लिखना होना बहुत ज़रूरी है। MBA पास हूँ, 10-12 नहीं हूँ। ना, तुम्हारी बात नहीं कर रहा मैं, जनता की बात कर रहा हूँ। तुम तो हो गए तभी तो ये कर रहे हो। अच्छा एक चीज़ बताओ, BA पास हो, कोई काम नहीं मिला आपको, जॉब नहीं मिली अच्छी सी, कोई जॉब वगैरह नहीं? अच्छा अच्छा मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर लोग हैं ना अगर पढ़ लिख जाते हैं पाकिस्तान में तो वो फ़ौरन चले जाते हैं, तो तुम फ़ौरन नहीं गए? नहीं, मैं नहीं गया, मैं जाना नहीं था। मैंने ले ली जॉब, पहली बात अच्छा जॉब मैंने ले तो लेता था, पर मैंने नहीं। अच्छा अच्छा अभी तुम्हारे हाफिज सईद को जेल हो गई, कई पता नहीं कितनी साल की हो गई, तो वो जेल में अभी बाहर है किसको? वो हाफिज सईद? तो अभी जेल में ही है। जेल में ही है ना, उसको फांसी दे दो जल्दी से। फांसी नहीं, मैं उसको फांसी जब तक वो जेल में सड़ेगा नहीं, मरेगा नहीं, तब तक उसको हम लोग फांसी नहीं देंगे। अच्छा चलो, और योगी कैसा लगता है तुम्हें? कौन? योगी, योगी आदित्यनाथ योगी? कश्मीर? नहीं, योगी है ना उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो कैसा लगता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोगों को? हमें नहीं पता, वो उन लोगों को पता होगा जो हमसे जानते हैं उसको, मैं तो इतना नहीं जानता उसको। अच्छा, क्योंकि अगला है ना प्राइम मिनिस्टर, सुना है कि वही योगी बनेगा, उसके चांसेस ज्यादा हैं। अरे वो उसको तो जो हमसे जानते हैं ना वो चाहते हैं हमने तो वोट देना उसको, अच्छा नवाज शरीफ को। अच्छा नवाज शरीफ को वोट देना है। रमजान के बाद है जो ईद आ रही है, वो नवाज शरीफ भी आ जाएगा, दोनों भाई इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ वो तो न्यूज़ में मैंने सुना था कि इससे पहले नवाज शरीफ इंडिया मतलब पाकिस्तान वापस आ जाएगा, तो वो भागा क्यों था, उसे डर किस चीज़ का था? वो भागा नहीं है, वो बीमार है, अच्छा वो अपनी बीवी की टेंशन में ले लिया, वो बीवी की टेंशन में चला गया, और उसको ना वो दिल की कमी है, दिल कमजोर उसका, अच्छा दिल का मरीज है। तो दिल कमजोर है, अगर मोदी जी ने थोड़ा तेज बोल दिया तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको वो दिल का ना मरीज है, उसका जो होता है ना बीमार बहुत है, अच्छा इसलिए लंदन चला गया। अच्छा लंदन में बार बार उसका लंदन में, अच्छा हर चीज उसकी लंदन तो में। फिर पाकिस्तान में क्या कर रहा है, उसको लंदन ही भेज दो ना वापस, उसको मत बुलाओ। क्योंकि उसने आपके वतन नहीं जाना, क्या उधर ही वो मरेगा सड़ेगा। अरे और क्या, जब विदेश में सारा कुछ कर रहा है, बीवी विदेश में है, बच्चे विदेश में है, प्रॉपर्टी विदेश में है, तो यहाँ तो लूट रहा है फिर वो पाकिस्तान को। अरे बीवी उसकी फौत हो गई है ना, बीवी के तो टेंशन में अच्छा, करे बीमार हुआ। बीवी उसकी अल्लाह को प्यारी हो गई। हाँ अच्छा, तो उसने जैसे उसने इमरान खान ने इतनी शादी कर ली, 3-4, तो वो भी शादी कर ले।
प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी शादी कर लेगी। शादी कर ले वो, अब शादी हो जाएगी उसकी, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अरे वो बाप चेंज करने के लिए चल रही। क्या वो बाप चेंज करेंगे? बाप चेंज करेंगे? कौन बाप चेंज करेगा? नवाज शरीफ? नहीं, इमरान खान। अच्छा अच्छा और मरियम, मरियम कैसी है? चलो, हमारा एक दोस्त है, वो कह रहा था कि यार मरियम से ना शादी करवाओ मेरी। हाँ? मरियम से शादी करवा दो अगर कुआरी हो तो। उसको बोलो कि पहले इमरान खान के पहले वो पैर चाके उसकी सेवा करे, फिर। अच्छा, फिर करवा दोगे? फिर तो उसकी माँ भी आ जाएगी ना, फिर भी वो शादी देगी करवा पाएगी। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान की है, पाकिस्तान में रहेगी ना। वो तो कोई बात नहीं, लड़का ना, लड़का पाकिस्तान में वो हो जाएगा सेटल, कोई दिक्कत नहीं है, उसका वीजा बनवा देंगे। ये मरियम नवाज के साथ ऐसी फोर मिल रही है, ये नहीं इसको छोड़ेगी, ये तो सीधा आपके पास ही आएगी इसकी लाश। अच्छा, तो तुम्हें जैसे इंडिया के बारे में क्या सोचते हो, डर लगता है तुम लोगों को? नहीं लगता है? नहीं, कभी जैसे, कभी जैसे मिसाइल विसाइल छोड़ दी, अभी एक मिसाइल छोड़ी थी ना, तो उसमें बम नहीं डाले थे, तो अगर उसमें बम होते तो भी फालतू में वो फूट जाती, लोग मतलब। फिर तो पक्की पक्की जंग थी, फिर तो साथ ठोक थी। हाँ, सीधा आकर ना, ये जो कौन सा भी पंजाब ना, पूरे पंजाब को मैं था। सीधा आक्रमण ना योगी करेगा, पीएम है ना, थोड़ा सा सोच समझ के काम करता है, योगी नहीं सोचता। योगी जिस दिन पीएम बन गया ना, उस दिन सीधा सीधा मिसाइल अटैक। अरे अरे नहीं, इमरान खान की अपने डॉक्टरेन ने सुनी थी, इमरान खान मोदी से जो बोल रहा था कि हम आपके गुलाम है, जो उनसे आपकी सेवा कर रहे हैं, हम क्या आपसे डरते हैं, जंग लगा लो, लगानी है तो। अच्छा, हम तो नहीं किसी से डरने वाले। अच्छा, तो जंग लगा ले। 1965 वाली हमने जंग दी थी। अच्छा, 1975 वाली हमने जंग जीती। 71 की तो हमने जीती थी, तुम्हारे 90,000 सैनिक हमने बंदी बना लिए थे। बहुत लाहौर तक, बहुत छोटी है, लाहौर तक हमने झंडा फहरा दिया था। लाहौर अभी देखो, अभी लाहौर जाकर देखो आप, आपको बताते अब। अच्छा, तो अब जैसे लाहौर अगर ठीक हो गया या बढ़िया हो गया, तो इंडिया भी तो उससे अच्छा हो गया। अरे इंडिया में क्या हुआ, उधर लक्कड़ के दरवाजे हैं इंडिया में, शटर उधर, छत आपकी सही नहीं है उधर। छत सही नहीं है हमारी? छत आपकी घर की कैसे सही है? हमारी घर की छत तो नहीं, जैसे अंग्रेज वो जो से अंग्रेज होते हैं वो इंडिया के तरह है, जैसे वो लड़कियां अखबारा फिरती रहती हैं, लिंगिया फिरती रहती हैं, कपड़े उतार कर, ऐसे हमारे पाकिस्तान में थोड़ा। मैं आपको भर रही हूँ बराबर से, आप जैसे कि कितनी किस्त के बाद में दूसरी चीज उठा सकते हो? एक और घंटे के बाद, तीन किस्त के बाद, एक सेकंड होल्ड रखना, तीन किस्त के बाद। हेलो, अरे मैं कह रहा हूँ, ये जो आप कह रहे हो ना, हमारे यहाँ क्या है ना, फ्रीडम है, जिसका जो मन करता है ना वो पहन लेता है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि बहुत ज़्यादा उन पे मतलब बंदिशें लगा रखी हों। हमारे यहाँ क्या है, हमारा वही तो कह रहा हूँ, हमारे में क्या है, छूट है। अगर जैसे किसी को बुरका पहनना है बुरका पहनो, जींस पहनना है जींस पहनो, साड़ी पहननी साड़ी पहनो, हमारे यहाँ ऐसी कोई बंदिश नहीं है। हाँ, नहीं, वो तो सामने घर बैठे वो कपड़े उधर उतार कर उधर ही लगा लेते हैं। अच्छा, ऐसे फिर क्या है, इंडिया में तो फिर बहुत गंदी है, ये पाबंदी लगाओ उधर। ऐसा नहीं है, तुम्हारे से कई कई साल आ गए इंडिया। कई साल का क्या, 200 साल आ गए? 200 नहीं तो 20-30 साल तो आगे होगा ये।
हमारे यहाँ पता है कितने इंजीनियर पैदा होते हैं, कितने डॉक्टर पैदा होते हैं? तुम्हारे यहाँ पाकिस्तान वो आतंकवादी पैदा होते हैं पाकिस्तान में। आतंकवादी तो इंडिया को तोड़ेंगे ना? नहीं तोड़ सकते, ये हमने कब्जा कर लिया ना पूरे इंडिया पर, फिर हमारे जूते ही चाटोगे। अरे रहने दो, तुम कर लोगे तो मैं ना, तुम्हारा जितना पाकिस्तान है ना उतना तो हमारा यूपी उससे बड़ा है, उत्तर प्रदेश। अगर अगर है ना इंडिया वालों ने ना सिर्फ मुंह दिया ना तो बह जाएगा पाकिस्तान। अच्छा दोस्तों, जितने भी आर पंजाब में सिख बैठे हैं ये तो फिर पाकिस्तान में नहीं आ सकते, इधर इनका लाहौर में मंदिर। वो कोई बात नहीं, उससे क्या होगा, अगर एक मंदिर आपने कब्जा कर रखा है आपके क्षेत्र में आ गया, ऐसे तो अमरनाथ चीन के क्षेत्र में आता है, लेकिन अमरनाथ जाने देता है चीन तो चले जाते हैं। इस्लामाबाद में हिंदू बना रहे थे मंदिर, हमने बनाने दिया, हमने चश्ती तोड़ दिया करेर में। इस्लामाबाद में मंदिर इस्लाम नहीं, जैसे आप लोग नहीं, जैसे आप लोग मस्जिदों में कुरान पढ़े होते हैं आप लोग उधर आग लगा दी, आपको तो फिर कितना अजाब होगा। नहीं हमारे में ऐसा नहीं होता कि हमें ना, हम सब मिलके रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिलके रहते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मिलते रहते हैं? नहीं आप कैसे मिलते रहते हो, आप उनको गालियाँ निकाल दियो, वो गालियाँ नहीं। देखो मैं तुमसे इतनी देर से बात कर रहा हूँ, मैंने एक गाली दी तुम्हें नहीं दी ना, हम लोग ऐसा नहीं है कि गाली निकालते हैं, जो है ना। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, हमारे साथ आप प्रेम से रहते हो, हम आपके साथ रहते हैं, हमारे में ऐसा नहीं है कि हम लड़े झगड़े। कुछ लोग सुनो, अभी देखो 25 मिनट 26 मिनट हो चुके हैं हमें बात करने के लिए, और अभी एक व्हाट्सएप बनवा दे, सही बात है, उस पर बात करेंगे भाई। दूसरे मैन में मैंने व्हाट्सएप बनानी है, ये हमने आपके बापू को मेल दे। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं यार कैसे दे दूं तुम्हें व्हाट्सएप? अरे मैं दे दो, ओके सो क्यों करे, मैं नंबर कैसे दे दूं मैं तुम्हें? अरे भाई जिन ना कोई मैं भी क्योंकि नमाज पढ़ता हूं 5 टाइम की। अच्छा 5 टाइम की कौन सा पता, नमाज पढ़ता है ना वो कोई झूठ नहीं बोलता। अच्छा चलो, आपको तो पता था हमने आपको थोड़ा बहुत झूठ बोल दिया। सुनो अगर आप 5 टाइम की नमाज पढ़ते हो और आप ग्रेजुएट भी हो, उसके बाद आप ये ऑनलाइन ठगी करते हो, बताओ कैसे कैसे 5 टाइम के नवाजी हो तुम? मतलब 5 टाइम की मैं जब नमाज पढ़ता हूँ ना तो हाँ। मुझे ये महसूस होता है कि मैं किसी से आज झूठ बोल दिया है, घर में क्योंकि होती है तंगी वगैरह, मैं ऐसे काम करने। अच्छा नहीं ये क्या है ना, देखो मैं बताऊँ, आप ग्रेज मतलब पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, और मेरे हिसाब से ना ये ऑनलाइन के काम छोड़ के ना आपको कुछ कमाई धमाई पे ध्यान देना चाहिए। आप बता रहे हो कि 5 टाइम नमाज भी पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको कुछ अच्छा काम करना चाहिए। ठीक है फिर बात करेंगे, ठीक है, और मैं शायद पाकिस्तान आऊँ, हमारे दोस्त बोल रहे थे कि हम तुम्हें अपना घर दिखाएंगे पाकिस्तान में, तो मैं मुझे तो व्हाट्सएप बनवा दो पाकिस्तान जब आओगे तो अपना हमारा घर। अच्छा एक चीज़ बताओ, व्हाट्सएप बना के करोगे क्या, पाकिस्तान के नंबर से क्यों नहीं कर रहे जो तुम व्हाट्सएप बना के इंडिया के नंबर से करोगे? अरे ये पाकिस्तान में जो सी व्हाट्सएप होती है वो कच्ची होती है, जो सी इंडिया की होती है ना वो हम इधर पक्की कर देते हैं। अच्छा अच्छा ये देखो जो तुम बता रहे हो ना कच्ची पक्की, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ क्या है कि अब जैसे पाकिस्तान का नंबर मैंने पहचान लिया तो मैं आपके बहकावे में नहीं आया, आप है ना इंडिया का नंबर बना के वही जैसे मुझे कॉल करी है वैसे कॉल करने के लिए मांग रहे हो। नहीं ऐसे नहीं, ये तो जो उनका नंबर होता है ना वो उनको भी पता चल जाता है, उनको मैं बाद में बता देता हूँ पाकिस्तान से बात करना। हाँ सर उनको भी पता चल जाता है। अच्छा जैसा कि आपने मेरा पाकिस्तान का नंबर चेक कर लिया, मुझे आपका इंडिया का पता चल गया। आपका नंबर मुझे याद है 8880
नंबर अच्छा है ना मेरा? हाँ, ये हमने निकाला, आपने कहाँ से थोड़ा भी निकाला, कहाँ से निकाला? तो निकला था एक तो चैट में। अच्छा, मेरा है ना, मेरे पास पाकिस्तान से बहुत मैसेज आते हैं, ये केवाईसी वाले पता नहीं क्यों आते हैं, कहाँ मेरा नंबर चला गया पता नहीं, ये आपका लंबा चला गया कोमा में। कोमा में चला गया है। इसको लाइव करो ना, कोमा से हटवाओ इसको। अच्छा, कोमा से नहीं हटेगा, जिधर जाएगा वैसे जाएगा। तो वैसे जीवन जीवन अभी जीवन में ना मुझे नहीं लगता कि कभी मेरे से कोई 1 रुपया भी फ्रॉड कर पाएगा, क्योंकि मैं ना तो इन चीज़ों की बहुत अच्छी नॉलेज अरे रखता हूँ। आपसे भी कोई बड़े बड़े ऐसे है नहीं। मैंने एक साल में काम किया था तो हमारे पास ना एक इंडिया था, अब वो भी यही काम करते थे 2 नंबर, वो उधर थे जो आपके साथ नेपाल में बैठ कर इंडिया में ऐसे डीलर कर रहे थे फरोख। करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, नेपाल से तो बहुत काम होता है, नेपाल और पाकिस्तान इन दो जगह से बहुत काम होता है। इधर मुस्लिम है, वो इंडिया वाले थे 10-15 लोग वो। अच्छा, हाँ चलो बढ़िया है जी, जिसकी जैसे कट जाए वैसे काट लो, हम तो नहीं करते 1 रुपए का फ्रॉड भी। अरे भाई बोलता रहा हूँ, व्हाट्सएप बनवा दो अभी, मैं फरोड थोड़ा करा जा रहा आपके व्हाट्सएप साथ। में कैसे बनवा दूँ? तुम एक चीज़ बताओ, हमारे यहाँ पता है तुम्हारा ये हमारी फौज कितनी साते रहे, उसने अगर चेक कर लिया ना कि हाँ हमारा व्हाट्सएप कर मेरा मतलब इंडिया का व्हाट्सएप वहाँ चलवा रखा और मैंने चलवा रखा है, मुझे जेल हो जाएगी। हाँ अरे कैसे होगी जब हमने फरोड़ा करना नहीं। ये है ना, किसी और से मांगो, अब मैं नहीं दे पाऊंगा व्हाट्सएप। मैं किसी और से कब मांग, कैसे मांग, कोई और देता नहीं है। हाँ तो कोई नहीं देगा, एक तो क्या है ना तुम पाकिस्तानी हो, दूसरा तुम ये जो ऑनलाइन ठगी करते हो कैसे दे देगा बताओ कोई। मेरी बात सुनो, कोई ऐसे हमने आपसे ना कोई चीज ली है ना दी है, हमने आपको एक सिम का बोला है, हाँ तो सिम का लेकिन मतलब मैं साल में आपको बताता हूँ सुनो, सिम का मतलब समझ रहे हो? आपने मैं अगर आपके लिए जिम में सिम आपके सुनो, मेरी बात सुनो, सिम का मतलब पता है क्या है? अगर आपने इस नंबर से किसी को धमकी दे दी ना, तो हमारा इंडिया का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, तुरंत ट्रैक कर लेगा कि किसके नाम पे है ये सिम, कहाँ से इशू हुई, जेल हो जाएगी मुझे। आतंकवादी अरे आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा मुझे, आतंकवादियों को साथ देने के चक्कर में। कैसे हो जाएगा आपका, इधर क्या हैकर लोग है जरा। और क्या, तुम कहीं किसी पे मतलब सपोज पीएम को इससे धमकी दे दो, ठीक है, तो मुझे उठा लिया जाएगा। अरे भाई हमारे लोग हमारे नसीब में नहीं, पीएम को जाएगा। चलो वो बातें हमने तो छोड़ो, अभी तक वो बातें छोड़ो, ये बताओ कि अभी जो तुम्हारे जो ट्रेनिंग कैंप चलते थे आतंकवादियों वाले, वो कैसे कम हो गए या अभी भी वैसे ही चल रहा है? वो तो आपका खत्म कर दिए। नहीं, नवाज शरीफ आएगा तो मेरे हिसाब से वो दोबारा शुरू हो जाएंगे, नवाज शरीफ है ना, पहले भी ऐसी गतिविधि करता रहा है। अरे वो जोन से ना, वो जोन से आतंकवादी थे वो इमरान खान के साथ मिले हुए थे। हाँ अच्छा, इमरान खान जैसे बोलता था वो वैसे ही करते थे। इमरान तो कह रहा था कि भाई साहब दाबी पे जा सकते हो, 100 डालेंगे। इमरान कहता था कि मैं तो मतलब देश बदल रहा हूँ, इसका नंबर निकाल के डाल दो, बदलना है सही मैंने वाला बदलना नहीं है, कहा जो की है खुला है, खुला है मेरा लोग, खुला है यार, स्टार दबा दो, खुला है। अच्छा लो दाब दिए, चलो अच्छी बात है भाई। हुकूमत तो हमारी हो गई अब, वो हकुम कौन सा भाई नहीं, जो हुकूमत उसकी कर ले, मैंने उसकी कनेडा की कर ले दुबई की, या उधर जिधर से ये नवाज शरीफ आएगा लंदन से, लंदन भी कर ले। अरे पिछली बार वो जो, हाँ पिछली बार वो जो हमारे बंदे ने वो जो एक मिसाइल नहीं छोड़ी थी, मतलब विंग कमांडर अभिनंदन जब पाकिस्तान में गया था, तो वहाँ पे तुम्हारा नवाज शरीफ किसी मिलिट्री कैंप में था, तो वो मिसाइल छोड़ने ही वाला था, वो तो उसके सीनियर ने मना कर दी, कह रहा मत छोड़, वरना नवाज शरीफ का तो काम तमाम हो गया होता।
वो हमारा अभी तक कोई भी चरण तोड़ सका, इधर जितने भी है ना, जितने भी है चरण तोड़ने की कोशिश की है, वो सब नीचे आए हैं। अच्छा, ये लो। और वो हमारा बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। फिर दोबारा स्टार चाहिए यार, प्लस है तुम दिखा। ये लो स्टार डाल दी। हेलो हेलो, कॉल आ रही है मेरी। इंडिया में क्या होता है कि जैसे तुम्हारे ना उस वक्त सैनिक हमने पकड़े थे 90,000 1971 में, और वो सारे सैनिक हम लोगों ने वापस दे दिए थे। वो भी मरे हुए, मरे हुए हो सकता है, 15 मर गए हो, मैं ये मेरे को इतने डिटेल में नहीं पता, लेकिन फिर भी हम लोगों ने वापस दे दिए थे। तो 15 तो मरे हुए थे, जो हमने तो एक मारा था, हमने तो वो भी नहीं मारा जो एक पकड़ा था। तुम मार कैसे सकते हो, फोन चला गया था ना उनका अब्बा जान का, क्या नाम है उनका, अमेरिका का, कि इसको हाथ मत लगा देना वरना मोदी उधर से आक्रमण कर देगा। उसको फांसी देने से जो जो सा इमरान खान है, ये मादर चौथ का बच्चा, ये डरता है। इमरान खान डरता है, डरना तो खैर चाहिए भी ना, क्योंकि क्या है ना, अगर हमें अरे इसने पाकिस्तान को बहुत जलील कर रखा है। अच्छा, पाकिस्तान को इसने क्या जलील रखा है, पाकिस्तान की तो शुरू से ही ऐसी कहानी है, आतंकवादियों को पनाह देता है, ठीक है, और देश अपना हाँ। पीछे रहता है, काम में आगे बढ़ते नहीं है। अगर ये डरता है ना, क्या चे? ये डरना तो चाहिए भी ना हमसे, अगर तुम नहीं डरोगे हमसे तो फिर कैसे चलेगी कहानी। अभी ये मान लो, अभी है ना प्रधानमंत्री मोदी है, और जिस दिन योगी हो गया है ना, उस दिन कहानी खत्म है। फिर क्या करना हमारा? फिर सबसे पहले तो पीओके वापस ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद हाँ। उसके बाद पाकिस्तान का नाम पता है वो रख देगा तुम्हारा, कुछ और जैसे श्याम नगर रख देगा, कुछ और रख देगा, बाबा को बिल्डोजर बना देगा, बिल्डोजर को पता है बिल्डोजर बाबा के नाम से फेमस है। योगी सर्च करके देखना, आदित्यनाथ योगी। अरे डरना चाहिए तुम्हें, कौवा पढ़ा दे, हमने डरते भाई नहीं डरते। चलो तो उसको बन जान दो प्रधानमंत्री, फिर बात करेंगे कि कौन डरता है कौन नहीं डरता। मोदी तो उसे मरने नहीं देगा, मोदी 36 सूबे है, ऐसा सूबे वो ऐसा है, मोदी क्या है ना, मोदी मेरे हिसाब से उसकी उम्र हो गई है ना, वो कब तक बना रहेगा, और 1-5 साल बन जाएगा, उसके बाद तो योगी को ही बनना है ना। जब वो मर जाएगा तो आप तो ये बोलेंगे मोदी को कि हमारी जान छूटी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मोदी को लोग पसंद करते हैं तभी तो उसको वोट देते हैं इतना। जैसे इमरान खान को पसंद करते हैं। हाँ ये मान लो, व्हाट्सएप कैसे दूं? देनी पड़ेगी आपको। अच्छा देनी पड़ेगी, अगर नहीं दूंगी, अगर मैं नहीं दूंगा तो वो परमाणु बम छोड़ दोगे क्या वहां से? क्या छोड़ोगे? मैं कह रहा हूँ अगर मैंने व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया तो पाकिस्तान से परमाणु बम छोड़ दोगे क्या मेरी लोकेशन पे? अब देखो क्या बताऊँ मैं, छोड़ो मैं क्या है ना, मैं गाली गलौज का इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, बाकी चलो अच्छी बात है। अच्छा सुनो, मैं क्या है ना, मेरी शॉप है तो मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं तुमसे ना फ्री में दोपहर में फ्री होकर बात करता हूँ, ठीक है? व्हाट्सएप बनवा कर दो पहले। व्हाट्सएप कहाँ से बनवाऊँ?
तुम तो ऐसे जिद कर रहे हो जैसे बैगम नहीं होती। नहीं, मुझे अभी ला के दो, मुझे अभी ला के दो। अरे यार व्हाट्सएप मिला तो क्या होता है, व्हाट्सएप में क्या आपकी शान घट जाएगी, शान घट जाएगी। अगर मेरे को पुलिस उठा के ले गई ना तो सीधा आतंकवादी की मदद करने का ठप्पा लगा के जेल में डाल देगी अंदर। नहीं नहीं नहीं, एक ना एक दिन हमने ऊपर जाना है। अरे तो हमारा वो वाला साहब नहीं है ना कि ऊपर जाके वो अप्सराएं मिलेंगी, हम तो कर्म करके जाते हैं, इनके लफड़ों में नहीं पड़ते। आप बहुत इधर कम कर्म कर रहे हो, भगवान को मानते हो, भगवान बाप को नेकियां देते हैं, हमें तो अल्लाह नेकी देता है। हाँ तो अच्छी बात है, वो तो जिसका जो जो जिसको मानता है वो उसको नेकी देता है। अरे आप अल्लाह को मान लो। हमारा मान लो। अच्छा फिर क्या मिलेगा मुझे? आप नमाज, नहीं आप ऐसे करना, आप नमाज वजू करके ना, जैसे मुस्लिम से वजू कर कर आप जाओ मस्जिद में, उधर नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ कर उधर जो से मौलवी होगा उनको बोलो मुसलमान कर दूंगा। अच्छा, तो मिल जाएगा है? हमें थोड़ा मिलेगा, जितनी आप नमाज पढ़ोगे इतना आपको सवाब आगे तो, मिलेगा। सुनो सुनो, अपने घरियों को भी, आपके जो उनसे घरिया होंगे उनको भी सवाब मिलेगा और आपको भी सवाब मिलेगा। सुनो, आपके जो उनसे औलाद होगी उनको भी सवाब मिलेगा। अच्छा बहुत बड़ा फोटो ना मेरे। चलो मैं ना अभी हमारे पीछे ना मस्जिद है, मैं एक बार वहाँ जाके बात करता हूँ कि ऐसे ऐसे एक भाईजान का फ़ोन आया था पाकिस्तान से, तो वो ठीक कह रहे थे नहीं कह रहे थे मैं पता कर लेता हूँ, ठीक है? एक बार कैसे मैं उनसे हाफिज जी से पता कर लेता हूँ। अच्छा तो पहले मैं उनसे पता कर लेता हूँ फिर मैं तुमसे बात करता हूँ, ठीक है? हाँ तो वही कह रहा हूँ, एक बार मैं ना हाफिज जी से पता कर लेता हूँ और हमारे पंडित जी से ही पता कर लेता हूँ, फिर जैसे ही वो बोलेंगे। अच्छा चलो मैं ना आपको 5 मिनट दे दो, कहीं है अपने पास में, ठीक है? अभी 5 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, 5 मिनट में फिर बात करते हैं। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, 5 मिनट में बात करते हैं फिर बात करेंगे उसके बाद, ठीक है भाई जान? ठीक है।